सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल UTM जौनपुर रेल फैन। तो फिलहाल अभी हम मौजूद हैं मेघामा रेलवे स्टेशन, और जैसा कि मैं आपसे बहुत टाइम से कहता आ रहा हूँ कि जौनपुर, शाहगंज, आजमगढ़, मऊ के रास्ते जितनी भी ट्रेनें जाती हैं उन्हें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिलने वाला है, जैसे कि ताप्ती गंगा गोदान एक्सप्रेस। तो फिलहाल मैं ताप्ती गंगा की बात करें तो ताप्ती गंगा को काफ़ी समय से WAF4 या यूँ कहें कि इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव उसे मिल चुका है। और रही बात गोदान एक्सप्रेस की, तो फिलहाल में इसी मंथ में उसको भी इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव WAF7 मिल चुका है। तो कुछ ही समय में आने वाली है गोदान एक्सप्रेस, जो कि लोकमान तिलक से चलकर गोरखपुर को जाती है और एक छपरा से चलकर लोकमान तिलक को जाती है। तो दोनों ट्रेनों का समय हो चला है धीरे धीरे, क्योंकि बज रहे हैं अभी 1 और कड़कती धूप में हम खड़े हैं इस स्टेशन पे, और सिर्फ इन दोनों ट्रेन को ही कैप्चर करने आए, क्योंकि काफ़ी समय से लोगों की डिमांड थी कि इसके इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव को देखना है और इसे इसके रन को देखना है कि कैसी स्पीड रहती है, कैसा इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इसके साथ अटैच होता है। तो फिलहाल आने वाली है गोदान एक्सप्रेस, और उससे पहले शायद ताप्ती गंगा एक्सप्रेस आएगी, और ताप्ती गंगा गोदान एक्सप्रेस दोनों का ही कैप्चर करूँगा, दोनों को एक साथ इस वीडियो में मैं डाल दूँगा। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और खैर भाई सब्सक्राइब करना, लाइक भी करना, कमेंट करना, क्योंकि दोपहर के 1 बजे आप कड़कती धूप देख सकते हो, बहुत जलाने वाली धूप है, बहुत ज़्यादा जलाने वाली धूप निकल जाती है। तो क्या करूँ, जब कैप्चर करना है ट्रेन को तो करना ही पड़ता है। और पीछे से आ चली है, इस तरफ से आ चली है गोदान एक्सप्रेस अपने WAF7 के साथ, जो कि मुझे दिख रहा है बहुत दूर है, और कुछ ही समय में आएगी, उसे लूप लाइन पर लिया जाएगा, क्योंकि सामने से हो सकता है ताप्ती गंगा से इसका क्रॉसिंग किया जाए। और ताप्ती गंगा खड़ी है जौनपुर जंक्शन स्टेशन पे, और सामने आ रही है गोदान एक्सप्रेस। या तो यूं कह लें कि अब धीरे धीरे डीजल लोकोमोटिव अब धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं, ख़त्म होने की कगार पे आ चले हैं। इस रूट पे अब सिर्फ वही डीजल लोकोमोटिव ट्रेनें चलती हैं जो कि अयोध्या फैजाबाद की तरफ जाती हैं। तो धीरे धीरे आने वाले टाइम में वो भी उधर भी सारे लोकोमोटिव ख़त्म हो जाएंगे, और उधर भी लोकोमोटिव अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव मिल जाएगा, जिस तरह से रेलवे ने ठाना है कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन को लेके। तो ये थोड़ी सी बात है, अब बाकी धीरे धीरे सारी ट्रेनों को अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव दिए जा रहे हैं, बहुत सारे रूट पे, बहुत सारी ट्रेनों को बहुत सारे सेक्शन पे अब इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ज़्यादा देखने को मिलते हैं, और डीजल लोकोमोटिव बहुत ही चुनिंदा जगह पे बचे रह गए हैं। आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप लोगों को कौन सा लोकोमोटिव अच्छा लगता है, डीजल लोकोमोटिव अच्छा लगता है या इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव अच्छा लगता है, उनमें भी कौन सा एल्को अच्छा लगता है, EMD अच्छा लगता है, WAF5, WAF7, WAF4, WAF1, XYZ जितने भी लोकोमोटिव हैं आपको वो अच्छे लगते हैं, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा। खैर आप इंजॉय कीजिए गोदान एक्सप्रेस को।
सामने देख सकते हैं ये गोदान एक्सप्रेस खड़ी है अपने वेब 7 के साथ, बरौनी का वेब 7 है, और ये एक पहली ऐसी ट्रेन है जो कि इस साइड से वेब 7 लेके आती है। इस रूट पे जौनपुर के आगे की बात करें, जौनपुर साहगंज के बीच में एक ऐसी पहली ऐसी ट्रेन है जो कि वेब 7 के साथ रन करती है, और ताप्ती गंगा पहली ऐसी ट्रेन थी जो कि वेब 4 के साथ इस रूट पे इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव के साथ रन करती है। तो खैर इसे लूप लाइन पे ले लिए गए और सामने से आ रही है ताप्ती गंगा एक्सप्रेस। जब तक ताप्ती गंगा और गोदान एक्सप्रेस का एक्सिंग हो रहा है, क्रॉसिंग हो रहा है, तो उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें, कमेंट भी कर दें, उसके बाद आप ताप्ती गंगा का क्रॉसिंग गोदान के साथ जरूर देखें। तो फिलहाल उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और भी नई ताज़ा और ब्लॉग के साथ वीडियो के साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सामने जा रही है गोदान एक्सप्रेस, और इस ट्रेन में हमारी एक जर्नी है वो भी जल्दी आने वाली है हमारे इस चैनल पर, तो उसे देखने के लिए आपको हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करना है, और उसका बस थोड़ा सा करना है इंतज़ार, और आने वाली है गोदान एक्सप्रेस की जर्नी। Thank you.